हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो, आज मैं खूबसूरत से दो डेक यूज़ करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो, शुरू करते हैं। पहले हम इस डेक से एनर्जी लेंगे और उसके बाद हम जजमेंट का कार्ड आ रहा है तो देखते हैं, आना होगा तो वापस आ जाएगा। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही है इस वक्त आपको लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या मिस करते हैं, याद करते हैं, क्या इमोशंस हैं इस वक्त आपको लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में। कनेक्शन, सबसे पहला कार्ड कनेक्शन का आया है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ, कि आपके साथ जो बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है, जो कंपैटिबिलिटी है, वो किसी और के साथ इनको फील नहीं होती है। या दूसरों के साथ अगर इनका कोई बॉन्ड बनता भी है तो वो टेम्पररी होता है, बट आपके साथ जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है। एक सॉलिड जो कनेक्शन होता है वो इन्हें फील होता है, एक ऐसा कनेक्शन कि 24/7 आप उनके लाइफ में हो, नहीं हो, ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो, डजेंट मैटर, बट आप इनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में 24 घंटे रहते हो, चलते रहते हो, चाहे कोई भी काम करें, बिजनेस करें, जॉब करें, पढ़ाई करें, किसी भी सिचुएशन में हो, बट आप इनके दिमाग से निकलते नहीं हो। तो ये एक बॉन्ड इनको आपको लेकर फील हो रहा है। फिर यहाँ पर कार्ड है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, वाओ, साथ में आए हैं आज, दोनों कार्ड साथ में आए हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन या तो हो चुका है या होने वाला है, स्पेशली उन लोगों का जो हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, मतलब कोई डिवाइन कपल है जिनका रीयूनियन यहाँ होने वाला है। चिवेलरी का कार्ड है विद सेक्सुअलिटी, यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी, और यहाँ से यिन एंड यांग का कार्ड आ रहा था तो यहाँ पर देखिए बैलेंस हो गई है। आप में से कई लोगों के पर्सन फुल्ली अवेकन हो चुके हैं और जिनके फुल्ली अवेकन हो चुके हैं उनकी बल्ले बल्ले है, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों एनर्जी साथ में आई है, पावरफुल एनर्जी है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी हमेशा से ही पावरफुल रहती है। सो, यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है और परमानेंट रीयूनियन यहाँ पर कई लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का टेम्प्रोरी मीटिंग भी हो सकता है, बातचीत हो सकती है बहुत महीनों बाद या सालों बाद, हो सकता है आप दोनों मिलें, डेट पे जाएं और अच्छा टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग फुल्ली अवेकन हैं, जो कि आपके मैस्कुलिन्स भी अब फुल्ली अवेकन है, मतलब आपके पार्टनर भी फुल्ली अवेकन है और आप लोगों का यहाँ पर रीयूनियन नज़र आ रहा है। तो ओवर एंड ऑल आपको लेकर क्या चल रहा है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो यहाँ पर जो बैलेंस है उनका रीयूनियन नज़र आ रहा है, आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, और अगर आप अभी इम्बैलेंस एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन आने के बाद आपको ट्रिगर दे सकते हैं, ठीक है, आपके तरफ मिल सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपसे मिलें, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें और उसके बाद आपको फिर नो कॉन्टैक्ट में डाल दें या इग्नोर करें, फिर आपको ये लगे कि यार अभी तो इतने अच्छे से थे, अभी अचानक इनको क्या हो गया। तो इस तरह की चीज़ें तब होती हैं जब सामने वाला पर्सन अभी तक इम्बैलेंस या डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होता है। तो ये एनर्जी है आपको लेकर, मिसिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, मैसेजेस की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा इंटीमेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। तो आपको लेकर बहुत कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग में, मिलेंगे तो कैसा होगा, कैसे टाइम स्पेंड करेंगे, क्या गिफ्ट देंगे, बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, तो बड़े बिजी हैं ये, तो अच्छा है, यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जी है। लेट्स चेक कि इनके लाइफ में चल क्या रहा है करंट सिचुएशन, ये डेक बहुत भारी है, प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। इस कार्ड को हटा दूँ या रहने दूँ, चलो रहने देते, बड़ा सुंदर लग रहा है इन दोनों को देख के। प्लीज़ गाइड करें करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या चल रही है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या है, बहुत सारे हैं।
प्लीज गिव मी वन बाय वन। एंजल्स पहले बहुत सारे देते हैं, फिर मैं उनसे एक एक करके मानती हूँ, भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके दे दो। सो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कार्ड्स। यहाँ पर जो साइन आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से भी फायरी एनर्जी है। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, तो ये सारी जो है वो रोमांटिक एनर्जी है, वाटर एंड फायर ऐसा नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई है एनर्जी। यहाँ से भी फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर हमारे पास एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ठीक है। तो ये एनर्जी है, ऊपर से वाटर साइन भी है। सो यहाँ पर पहला कार्ड आया है सक्सेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। दूसरा कार्ड है लवर्स, आज यहाँ से लवर्स आया है, यहाँ से डिवाइन फेमिनिन आए हैं और यहाँ से डिवाइन मैस्कुलिन आए हैं, तो यहाँ रीयूनियन का एनर्जी, यहाँ से भी पहला कार्ड कनेक्शन आया है और यहाँ से भी पहला कार्ड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस एंड कनेक्शन आया है द लवर्स। तो आज की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, ये 7-7 पोर्टल दिमाग की बत्ती खोलने वाला काम करेगा आपके पर्सन की लाइफ में भी और आपकी लाइफ में भी। आपके लाइफ में अगर अभी भी कोई नेगेटिविटी है, कोई लेयर्स हैं, कोई डीएनए एक्टिवेशन अभी भी आपके अंदर चल रहा है, तो आपके लाइफ में भी आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। सबसे बड़ा चेंज आपको क्या नज़र आएगा इस पोर्टल की एनर्जी में, आपका डाइट चेंज हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करती थी या नहीं करते थे, तो आप वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगेंगे, आपकी एनर्जी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। अगर आप बहुत लेज़ी थे तो बहुत एक्टिव हो जाएंगे, अगर बहुत एक्टिव थे तो बहुत लेज़ी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सोते थे तो बहुत कम सोएंगे, अगर बहुत कम सोते थे तो बहुत ज़्यादा सोएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ते थे तो अब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते थे तो अब बिल्कुल मेडिटेशन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कर रहे थे तो अब बिल्कुल मेडिटेशन करेंगे। तो बहुत बड़ा चेंज, पूरा 360 डिग्री चेंज आपके रूटीन में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही डेक से रीयूनियन की एनर्जी आई है। यहाँ से आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्विक डिसीजन लेंगे, पैशनेट एनर्जी है। यहाँ से देखिए सेक्सुअलिटी है, यहाँ से नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, पैशनेट एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है, क्लैरिटी देंगे। यहाँ से चिवेलरी है, यहाँ से एस ऑफ सोर्ड्स है, तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेशन करेंगे। एयर साइन कम्युनिकेशन को दिखाता है, सोर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को दिखाती है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के पर्सन स्लो हैं, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्रेस करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन कमिटमेंट के साथ आएंगे कि आए भी और कमिटमेंट भी दे दिए, पूरे 100% कमिटमेंट, तो ये वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इनकी एनर्जी चाहे दिमाग की हो चाहे दिल की हो, आपको लेकर हो या इनके सबकॉन्शियस माइंड की हो, दोनों में ही यूनियन की एनर्जी है। तो आज की एनर्जी बहुत खूबसूरत है गाइज, मैसिव चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आज मुझे मन भी कर रहा था ये डेक्स लेने का, शायद यही एनर्जी आनी थी इसलिए ये डेक्स भी आए। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन से क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, पहले हम रून्स से देखेंगे क्या एक्शन निकल कर आता है और उसके बाद हम टैरो से देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। क्या बात है, देखिए यहाँ पर फेहू है, मैसेज को दिखा रहा है। यहाँ पर आपको किसी तरह का गिफ्ट मिल सकता है, आपको कुछ एक्शन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बुल की तरह इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। जैसे एक बुल होता है ना, बड़े आराम से रहता है, बड़ा लेज़ी सा बैठा रहता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है या जब उस कोई चीज़ ठान लेता है तो वो चीज़ों के लिए वो लग जाता है बिल्कुल से, कि अब मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे स्टैंड लेना है तो लेना है, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप में से कई लोगों के पर्सन के लाइफ में मूवमेंट नज़र आ रहा है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है।
यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए, रून्स आए हैं, सॉरी, मैसेजेस का भी रून्स है, गिफ्ट का भी रून्स है, न्यू बिगनिंग का रून्स है, स्टैंड लेने का रून्स है, स्ट्रेंथ का रून्स है और रीयूनियन का रून्स निकल कर आया है। सो हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन में क्या, इनमें से क्या क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, अगला कदम क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का कलेक्टिव लेवल पे। बॉटम ऑफ द डेक है सफरिंग इन साइलेंस, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। पहला कार्ड ही एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगा, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 1, 1 आवर, 1 डे और 1 वीक के अंदर 5-5 नंबर आया है, जो कि मेजर चेंज को दिखाता है। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ मेजर चेंज आएगा। और इनके लाइफ में 8 नंबर है जो कि शनि को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है। यहाँ पे कर्मा साइकिल से रिलेटेड कोई बड़ा चेंज आने वाला है। सो लेट्स क्लेरिफाई कैसा चेंज होगा, क्या होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है नेक्स्ट एक्शन में। पैशनेट होंगे, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे डिस्टेंस बना रहे थे तो ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपसे डिस्टेंस बना रहे थे तो लौट कर वापस आएंगे। इमोशनल लॉस क्यों आया है, क्यों है इमोशनली डिस्टर्ब। सफरिंग इन साइलेंस आ गया इसके लिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि इन्हें पछतावा हो रहा है किसी बात का, गिल्ट में है, मिस कर रहे हैं आपको, मेमोरीज ऑफ लव। क्या बात है, इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में अटके हैं या जिस सिचुएशन के डर की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, चाहे वो बेस चक्रा हो, चाहे वो इनका करियर हो, वर्कहोलिक नेचर हो, इनकी फैमिली हो, कोई भी सिचुएशन हो, जहाँ जिस भी वजह से आपके पर्सन और आप में दूरियाँ आई हैं, उस वजह से निकल जाएंगे, उस ब्लॉकेजेस को हील करेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, क्या क्लैरिटी मिलने वाली है, क्या क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर आया है पहला कार्ड हमारा हारमोनी री, वाह क्या बात है, तुरंत से ब्लैक हो जाती है मेरी स्क्रीन। सो यहाँ पर हारमोनी का कार्ड रीयूनियन को दिखा रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ सॉलिड एक्शन लेंगे और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो मेजर चेंज आएगा। मैंने पहले ही कह दिया था, देखिए कार्ड मैंने बाद में निकाले, बट मैंने आपको पहले ही 5-5 देख कर बोल दिया था, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन नंबर, चेंज का नंबर है, बहुत बड़े चेंज आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में और यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके बिहेवियर में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है गाइस, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन एन आवर ये चेंजेस आपको नज़र आ सकते हैं। लेट्स चेक एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में। बॉटम ऑफ द डेक है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ऐसा पाथ चूज करें जिसमें कोई रुकावट ना हो, बहुत ज़्यादा हर्डल्स या बहुत ज़्यादा आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सारे डोर्स बंद हो गए हैं, अब मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ ऑब्स्टिकल्स ही हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने सही डोर नॉक ही नहीं किया अभी तक। सो नॉक सेकेंड डोर, थर्ड डोर और राइट डोर। फर्स्ट कार्ड है बोन, Heaven is rushing in and showering you with blessings. Open your heart to receive. जैसा कि मैंने कल 7-7 पोर्टल की एनर्जी डाली थी, मैंने आपसे कहा था कि आप सब यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आएंगे, इस पोर्टल की ये ब्लेसिंग्स होती हैं। और ये कार्ड आज निकल कर आया है कि हेवन आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, शावर करने के लिए रश कर रहा है, बहुत जल्दी में है। अपने हार्ट को ओपन करें और रिसीव करें वो ब्लेसिंग्स को। और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं ये आज की एनर्जी में आपने देख लिया, जो अभी निकल कर आई हैं। द गोल्डन स्टार्स नंबर 3-3, द स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नाउ। आपके करियर हो गए, आपके मैनिफेस्टेशंस हो गए, आपका मैरिड लाइफ, आपका लव लाइफ, आपने जिसको भी सोच कर मैनिफेस्ट किया है, सब पूरा होगा।
रीच फॉर द स्टार्स नंबर 48, यू हैव बेरली स्क्रैच द सर्फेस, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल एंड यू आर गेटिंग रेडी टू एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड। बहुत कुछ आप पहली बार, क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे जो कि आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे और आपको फील होगा कि यूनिवर्स आपके साथ है। सो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है गाइस, होप कि आप सभी से रेजोनेट करें और आप सभी के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। सो इसी ब्लेसिंग्स के साथ, इसी विश के साथ रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।